Assalamu alaikum class, my name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor of principle of microeconomics from University of Education, Lahore. Students, आज हम कुछ questions का answer देंगे. ये कि 6 classes तकरीबन हो चुकी हैं और इन 6 classes में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए हैं. मैंने क्वेश्चन सेशंस भी ओपन रखा था और फिर मैंने ये ख़ास तौर पे जो भी क्लासेस हुई हैं, हमने जूम के ऊपर अगर कोई क्लास ली है या गूगल क्लासरूम के ऊपर तकरीबन 24/7 हम ख़ास तौर पे मैं कनेक्टेड रहता हूँ, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे. ये आल्दो के मेरे साथ LMC लोअर माल कैंपस के स्टूडेंट अटैच हैं, बाकी कैंपसेस के भी हैं, विहारी के हैं. जब ऑनलाइन क्लास हुई थी तो विहारी कैंपस के भी स्टूडेंट्स कुछ अटैच थे, तो एक तो ये उनसे अगेन रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस क्लास को छोड़ दें. मतलब अपना जो आपका को टीचर्स हैं उन्होंने भी गूगल क्लास रूम बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को पूछें. लेकिन फिर भी मैंने सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स किया है. आज का सेशन इसलिए रखा है, बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नहीं पूछते. इसके अलावा मतलब बहुत से दूसरे कैंपसेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो चूंकि स्टूडेंट्स मोर एंड लेस जो है ना उनकी सेम अप्रोच होती है, तो आल्दो के डिफरेंट मैंटेलिटी और डिफरेंट माइंड सेट होता है, लेकिन मोस्टली चूँकि एक लेक्चर दिया गया है तो उसकी में जो एम्बिग्विटी थी या कन्फ्यूजन्स थी वो मोर आर लेस सेम होंगी. अगर ड्यू टू मतलब ये कोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं तो उसको आज एड्रेस किया गया है, उसको हमने क्वेश्चंस को एड्रेस किया है इस क्लास में. और ये मोर जनरलाइज, इसे आप कह सकते हैं कि दूसरे कैंपसेस और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो आज हम उस क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. सबसे पहले तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, बच्चों के नाम मेंशन नहीं किए गए, लेकिन जैसे भी उन्होंने क्वेश्चंस किया है हमने उन क्वेश्चंस को ऐसा कॉपी पेस्ट करके इधर लिखा है कि फर्स्ट लेक्चर्स वीडियो 17 मिनट्स और 15 सेकंड की जो चली है उसमें स्कार्सिटी और 37 मिनट्स तक यूटिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय सम फैक्टर समझ नहीं आई, और 41 मिनट और 40 सेकंड में सिट्रस पेरिबस क्या है. इसमें जो मतलब स्कार्सिटी यूटिलिटी और खैट्रस पेरिबस या सिट्रस पेरिबस पढ़ते हैं, रियल इसकी प्रोनाउंसिएशन खैट्रस पेरिबस है, ये चीज़ बच्चे ने पूछी है. दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. और स्कार्सिटी के ऊपर डिटेल से बात हुई थी कि स्कार्सिटी जो होती है, स्कार्सिटी ये होती है कि जो रिसोर्सेज है वर्ल्ड के अंदर दे आर वेरी मच लिमिटेड. ये लिमिटेड रिसोर्सेज को स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कहते हैं कमी, कमयाब, कमयाब के मतलब ऐसी चीज़ें जो कम हो रही हैं या हो, जैसे जैसे हम उनको कंज्यूम करें तो वो कम होती जाती है. जो दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं, मोस्टली जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है. जैसे लैंड है, लैंड भी एक स्कार्स रिसोर्सेज है, इसको कंपीट कर रही है जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है डे बाय डे, तो जो एग्रीकल्चर स्कार्स लैंड बन जाती है हिसाब से कि वो एग्रीकल्चर की लैंड्स को जो पॉपुलेशन इंक्रीज वो हाउसिंग के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, प्रोडक्शंस के लिए, इनके लिए इस्तेमाल हो रही है, तो लैंड डे बाय एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म होती जा रही है. इसी तरह स्कार्सिटी का हिसाब लगाया जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो ये ज़मीन के अंदर फिक्स मिनरल और पेट्रोलियम है तो पूरी दुनिया इनको कंज्यूम कर रही है, तो ये भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, दैट्स गोइंग टू फिनिश, राइट. तो ये स्कार्सिटी से मुराद ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, और ये इकोनॉमिक्स से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इकोनॉमिक्स की जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट स्कार्सिटी से होती है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और पीपल्स की चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं. जब ये स्कार्सिटी होती है, ठीक,
ठीक है, जब ये स्कॉर्सिटी होती है तो ये आपको लीड करती है टुवर्ड द च्वाइसिस, कि आपको च्वाइस करने में मदद करती है, और ये चीज़ जो होती है अल्टीमेटली जाके इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन, दो च्वाइसिस से हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन स्टार्ट होती है, कि अब जब स्कार्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो क्या है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। हर बंदा चाहता है उसके पास गाड़ी हो, कार हो, तो लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो बड़ी लिमिटेड हैं, तो अब इनको इस तरीके से यूज़ करना है कि तकरीबन सभी के लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन हासिल हो। इसी तरह लैंड स्कार्स है, अब ये लैंड स्कार्स रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर लैंड है बड़ी स्कार्स है, खाना भी खाना है, फूड भी हमने लेनी है, और भी बहुत सी कपड़े हैं जो एग्रीकल्चर से आते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से तो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, तो ये स्कार्सिटी हमें लीड करती है च्वाइसेस की तरफ। तो ये च्वाइसेस क्या है, अब हम बड़े बड़े घरों में नहीं बल्कि लग्जरी विलाज में रहते हैं, विलाज मतलब बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, पूरी दुनिया में अगर देखें तो वो स्काई रैपर फ्लैट्स की तरफ मूव कर गए हैं। तो ये हमें ये च्वाइसेस कि हमने विलास बनाना है, 10 मरले का घर बनाना है किसी गांव में या किसी शहर में, या हमने कहां पे रहना है, तो ये लैंड की स्कार्सिटी हमें चॉइसेस कि हमने किसी रेजिडेंशियल एरिया में जहां पे 40-50 जो स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें हमने फ्लैट लेना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ें जो आम होती जा रही है, या हमने जो किसी सोसाइटी में रहना है, तो मतलब ये चीज़ें जो है एग्रीकल्चर लैंड की स्कार्सिटी हमें चॉइसेस की तरफ लीड करती है। आल्दो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये कि हमने इस घर में रह रहे हैं, ये चीज़ में रह रहे हैं, या हम विलास में रह रहे हैं, या हम जो है वो फ्लैट में रह रहे हैं, तो एक्चुअली इसके पीछे फिनोमेना वही है कि एग्रीकल्चर लैंड स्कार्स होती जा रही है। जब ये स्कार्सिटी हो तो ये च्वाइसिस को लीड करती है, ठीक है। तो स्कार्सिटी का एक तो मतलब ये हो गया कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, यू हैव टू मैनेज दीज रिसोर्सेज, और मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज को हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी कह सकते हैं, यही इकोनॉमिक्स है। उसके बाद उसने कहा कि यूटिलिटी, यूटिलिटी की जब हमने बात की है कि यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फेक्शन लेवल, इट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू, कि ये मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, मेरी जो यूटिलिटी है, जो मैं चीज़ों को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल करता हूँ उसे यूटिलिटी कहते हैं, और इज़ अफेक्टेड बाय, अब ये यूटिलिटी होती है ये नंबर ऑफ फैक्टर से अफेक्ट होती है, राइट। तो ये एक्चुअली फैक्टर्स अफेक्टिंग यूटिलिटी इसका क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स। तो ये मैंने कुछ फैक्टर्स वहाँ पे मेंशन किए थे कि जो यूटिलिटी है, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो क्या है कि मेरी जो यूटिलिटी है खास किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, खास तौर पे पेप्सी है, मेरी यूटिलिटी बर्गर के रिलेटेड है, मेरी यूटिलिटी बस सर्विस है, मेरी यूटिलिटी डेवो बस में सफ़र करता हूँ तो और होती है, लोकल न्यू खां पे सफ़र करता हूँ तो यूटिलिटी और होती है। अब किसी खास गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से यूटिलिटी अफेक्ट करती है। अब मैं अगर डेवो, मतलब मैं डेवो पर सफ़र करूँ तो मेरी यूटिलिटी बढ़ती है क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस उससे बहुत अच्छा रहा है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि मेरी यूटिलिटी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे अफेक्ट करती है, पास्ट एक्सपीरियंस पे जो है डिपेंडेंट है। एक तो ये कि मैंने पास्ट पे सफ़र किया, ठीक है, डेवो बस पे मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगी तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो सफ़र करूँगा, जब भी मैं इसके ऊपर सफ़र करूँगा डेवो के ऊपर तो मेरी यूटिलिटी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन दूसरी न्यू कहाँ है, या राजा बस सर्विस है, या लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये यूटिलिटी मेरी कम होगी क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं रहा, राइट। हो सकता है कि और भी इस तरह के दूसरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो किसी सर्विसेज के रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई नई सॉफ्ट ड्रिंक आती है, या जो पेप्सी के रिलेटेड मेरी यूटिलिटी जो है, अगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस पेप्सी के साथ अच्छा रहा है कि हमेशा इनकी ब्रांड लॉयल्टी बड़ी अच्छी है, हमेशा ये जो है वो अपनी ब्रांड को मेंटेन रखते हैं, मार्केट में डुप्लीकेट नहीं आने देते, तो मेरी इससे यूटिलिटी इंक्रीज़ करेगी। दूसरी यूटिलिटी जो इंक्रीज़ होती है वो इनकम से होती है, कि मेरी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ करेगी मेरी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। इसी तरह एक और फैक्टर होता है फैमिली स्टेटस,
ठीक है ना, इन चीज़ों से भी यूटिलिटी अफेक्ट होती है। तो देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द यूटिलिटी। तो ठीक है, उसमें से मैंने दो तीन मेंशन किए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो यूटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जब आप सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसी तरह एक और होता है पीयर ग्रुप प्रेशर, राइट। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो पेप्सी पीते हैं, तो मैं भी, चूंकि मेरे फ्रेंड्स ये काम कर रहे हैं तो मैं भी ये काम जो है वो मुझे, ठीक है जी, चूंकि मेरे फ्रेंड्स पेप्सी पी रहे हैं तो मैं भी पेप्सी पीऊँगा। हालांकि आप हो सकता है घर में ना पीते हों, मिल्क शेक ही पीते हों, ठीक है ना, लेकिन चूंकि आपका पीयर ग्रुप, कि आपका जो ग्रुप है वो आपको अफेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है जो यूटिलिटी को अफेक्ट करता है। और तीसरा, इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कैटरस पेरिबस, कि ये सिट्रस पेरिबस या कैटरस पेरिबस क्या है। तो ये होता है अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं कहता हूँ कि लोगों की इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक है ना। ये एक जनरल सा फिनोमेना है, जब लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की 10,000 थी तो सडनली 1,000,000 हो जाए तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत से फैक्टर को फिक्स रखा हुआ है, राइट। हमने बहुत से फैक्टर को फिक्स रखा हुआ है, तो वो जो फिक्स फैक्टर है अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, कि हो सकता है कि मेरी इनकम ना बढ़े लेकिन फिर भी कंजम्पशन बढ़ेगी, वो क्या है, मेरा फैमिली स्टेटस है, मेरा हाउस होल्ड साइज है, अगेन पीयर ग्रुप प्रेशर है, मैं देखता हूँ कि मेरी अगेन जो है कंजम्पशन इंक्रीज करेगी, इनकम बेशक नहीं भी बढ़ी लेकिन मैंने फैमिली स्टेटस, पीयर ग्रुप प्रेशर, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है यूटिलिटी का भी और सिट्रस पेरिबस में भी। एक चीज़ कंज्यूम नहीं भी करनी होती लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपको इतना इतना वो दिखाती है, तो आप कहते हैं कि जी मैंने जो है ये चीज़ लाजमी जो है वो कंज्यूम करनी है, राइट। तो ये चीज़ है कि और अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जिसको हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं, राइट। और मतलब इसमें और भी एग्जांपल, और ये बहुत ज़्यादा जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट का हमारा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की, हम इन चीज़ों के ऊपर जो है कि एक यही चीज़ जो होती है इसको साइंस के से मिलाती है, ठीक है ना, कि साइंस में भी हम बहुत से मॉडल्स जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को फिक्स रखते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर एक एग्रोनॉमिस्ट होता है, उसने फर्टिलाइज़र का अगर इम्पैक्ट चेक करना है, सिर्फ फर्टिलाइज़र, मैं सिर्फ फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ, हालांकि कि वो लेबर भी करता है, वो ट्रैक्टर भी चलाता है, वो हल भी चलाता है, उसकी फैमिली लेबर भी काम करती है, उसमें को पानी भी लगाता है, उसको वो पेस्टिसाइड और दवाइयां भी डालता है, लेकिन अगर एक एग्रोनॉमिस्ट है सिर्फ अफेक्ट चेक करना चाहे कि फर्टिलाइज़र का वीट या गंदम या कोई भी क्रॉप के ऊपर फर्टिलाइज़र का क्या इम्पैक्ट है, सिर्फ फर्टिलाइज़र का, तो वो चेक करता है एग्रोनॉमिस्ट या कोई साइंटिस्ट इस तरह करता है। और इस जब ये चेक काम ये वो करता है कि सिर्फ फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट चेक करे प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर या यील्ड के ऊपर, तो वो बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट कर देता है, ठीक है, कि वो ये भी अज्यूम, ये अजम्पशंस होती हैं, वो अज्यूम कर लेता है कि नेक्स्ट जो है ये बारिश भी हो के मेरी फसल खराब नहीं करेगी, वो अज्यूम कर लेता है आंधियां नहीं आएंगी। तो जब हमने स्टडीज़ को स्टार्ट करना होता है तो हम बहुत से फैक्टर को फिक्स कर लेते हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स में होता है। इकोनॉमिक्स में भी जब हम मॉडल्स को स्टडी करते हैं तो हम बहुत से फैक्टर्स को फिक्स कर लेते हैं। जैसे बहुत से बच्चे कहेंगे जी पास्ट एक्सपीरियंस से मेरी यूटिलिटी नहीं बढ़ती, बहुत से बच्चे कहेंगे जी जो पीयर ग्रुप प्रेशर से मेरी यूटिलिटी नहीं बढ़ती, ये भी हो सकता है हमने बहुत से फैक्टर को फिक्स कर दिया है। बहुत से लोग जो हैं उनकी यूटिलिटी इस वजह से इंक्रीज कर जाती है कि वो अब टूथपेस्ट है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स में है, तो एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा है तो आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उससे यूटिलिटी आना शुरू हो जाती है आपकी। तो ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट और दूसरी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी यूटिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और नीड सम टाइम होती है, तो ये चीज़ें होती हैं जब हम इनको फिक्स कर देते हैं, राइट। तो हमने जब
किसी खास मॉडल को पढ़ना है तो बहुत सी चीज़ों को हम फिक्स कर देते हैं, जिसको कैटरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑल अदर फैक्टर रिमेन फिक्स्ड, ये सारे जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं इसी कैटरस पेरिबस के, कि ऑल अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑल अदर फैक्टर रिमेन फिक्स्ड, ऑल एल्स कॉन्स्टेंट, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ये एक ही इसका मीनिंग है सिट्रस पेरिबस। उसके बाद बच्चे ने पूछा हुआ है लेक्चर सेकंड, एमआरएस इज डिमिनिशिंग, एम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व नहीं आ रहा, समझ नहीं, आवाज़ का बहुत इशू हो रहा है। एक तो बात तो ये क्लियर है कि मैं बिल्कुल जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बिल्कुल शाउटिंग करता हूँ, इस तरीके से मैं बड़ी ऊँची आवाज़ में ये लेक्चर डिलीवर करता हूँ। पहले दिन से ये हम इन चीज़ों को जो है हम इन चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अपने सिस्टम को देखना चाहिए। इसको वीडियो को दोबारा देखा जाता है और फिर वीडियो चेयरमैन के पास जाती है, वो उसको चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, वो क्वालिटी ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि ऑडियो विजुअल ठीक है, कि मतलब जो चीज़ें जो स्लाइड्स के अंदर हैं वो ठीक हैं और आवाज़ ठीक आ रही है, ये चीज़ें चेक करते हैं। तो आप अपने सिस्टम को भी देखा करें क्या वो चल रहा है कि नहीं। बहरहाल एक ये होती है कि MRS यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व, अच्छा इंडिफरेंस कर्व ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि जब हम कहते हैं ना कि स्कॉर्सिटी है, तो हम चीज़ों को एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, और हमेशा ऐसा होता है। मैंने बस सर्विस की एग्जाम्पल दी, तो आपने जब डेवो बस सर्विस में जो है वो सफ़र करने को प्रायोरिटी दी, किसके ऊपर प्रायोरिटी दी, आपने वो हो सकता है डेवो का आप मुल्तान जाना चाहें या फैसलाबाद जाना चाहें तो वो 500 किराया फैसलाबाद का या 600 होगा, लेकिन अगर आप लोकल बस दूसरी न्यू खां पे जाएं तो 100 या 150 रुपया किराया होगा। तो आपने वो चीज़ सेक्रीफाइस की है किसके ऊपर, डेवो के ऊपर। तो ये होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और ये चीज़ आपको देखती है कि इससे यूटिलिटी, कि मैं नेक्स्ट यूनिट, इसका और भी है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि मैं जब अपनी सब्स्टिट्यूशन एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट, क्यों ऐसा करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के हम क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी यूटिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, राइट। इसी तरह हम पेप्सी को बर्गर के ऊपर जब सैक्रिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि एट मार्जिन कि मेरी यूटिलिटी जो है वो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब तक जो यूटिलिटी है पॉजिटिव रहे तो क्या होता है, हम उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं, राइट। तो लेकिन ये जो डिमिनिशिंग MRS होता है, ये डिमिनिशिंग कैसे है कि इसकी एग्जाम्पल जो है वो आप वाटर से ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो आपको जो पहला ग्लास है या पहला घूंट जो है वो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन दूसरा घूंट सेटिस्फेक्शन देता है लेकिन पहले की निस्बत कम देता है, तीसरा उससे भी कम देता है, चौथा उससे भी कम, दूसरा ग्लास पहले ग्लास की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन देता है, तीसरा ग्लास पहले और दूसरे की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन देता है, और ये यूटिलिटी इसलिए कहते हैं कि डिमिनिशिंग होती है, राइट। और इसके बाद बच्चे ने पूछा है इनडिफरेंस कर्व क्या है। जो इनडिफरेंट का मतलब ये होता है कि आम इनडिफरेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है या दूसरी प्रोडक्ट है, आई एम इनडिफरेंट बिटवीन दीज टूज, राइट। तो ये इनडिफरेंस कर्व ऐसी कर्व को कहते हैं जिसके ऊपर जो हमने इनडिफरेंस कर्व ड्रा की थी ना, आपने पिछली स्लाइडों में देखा हो, कर्वी सी एक कन्वेक्स होती है जो ओरिजिन की तरफ बोर्ड होती है, ओरिजिन की तरफ जो है वो उसका कर्वी होती है। हम ये कहते हैं कि जो हमने एक्स और वाई के ऊपर जो दो प्रोडक्ट ली है, उन दो प्रोडक्ट का कम्बिनेशन कहीं पे भी, 10 पेप्सी 5 जो बर्गर या 4 बर्गर 8 पेप्सी, यानी कि हम एक दूसरे के साथ जो सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी यूटिलिटी फिक्स रहती है।
उसकी यूटिलिटी सेम रहती है, उस कर्व के ऊपर यूटिलिटी इज इनडिफरेंट बिटवीन टू गुड्स, दो गुड की जो यूटिलिटी है, उनके कम्बिनेशन की जो यूटिलिटी है, दैट रिमेन फिक्स, कि मैं उस यूटिलिटी कर्व के ऊपर मेरी यूटिलिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, मेरी यूटिलिटी फिक्स रहती है, मेरी यूटिलिटी सेम रहती है, मेरी यूटिलिटी इनडिफरेंट रहती है, इसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। द कर्व ऑन विच यूटिलिटी रिमेन फिक्स इज कॉल इनडिफरेंस कर्व। तो ये एक बात याद रखनी है कि ये होती है इनडिफरेंस कर्व, या यूटिलिटी जो है इनडिफरेंस कर्व के ऊपर यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए इसको जो है कहा जाता है। अच्छा, वीडियो थर्ड 13.13 कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऊपर से गुजर गया। अच्छा, ये जो है डेरिवेटिव जो है ये बार बार करने से आते हैं, तो दो तीन बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने अगेन डेरिवेटिव जो है इस स्लाइड्स में हमने मेंशन किए हुए हैं, और ये डेरिवेटिव इज नॉट समथिंग बियॉन्ड द कोर्स, और ये आजकल तो मतलब अलजबरा जहाँ से स्टार्ट होता है तो डेरिवेटिव वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये डेरिवेटिव जो खास तौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें सिर्फ एक ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव लेना किस तरह है, उसका फार्मूला भी दिया हुआ, कि एक चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है कि डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है, और मोस्टली ये चीज़ें सिर्फ एक ये डेरिवेटिव मेरे ख्याल में ये एक कि हाउ टू टेक, और ये कोई क्वेश्चन रूल या कम्प्लेक्स मैथ नहीं पूछी हुई, सिर्फ एक फार्मूला है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और दूसरा जो एक्स वाई वेरिएबल का डेरिवेटिव जो है वो किस तरह लिया जाता है, वो जो है मेंशन किया गया है इस सारे कोर्स में, इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल में, कि ये सिर्फ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है ये है, और कोई ये हार्ड मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है कि हमने वो मैथ शुरू करवा दी है, इट्स वेरी सिंपल। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आगे भी एक दो लेक्चर्स में या एक दो जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं उसमें ये क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा, राइट। तो ये एक क्वेश्चन था, और ये कॉमन क्वेश्चंस को मिला के जो है ना वो मोस्टली स्टूडेंट्स का इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो वो हमने इस स्लाइड में एड्रेस कर दिए। अच्छा, उसके बाद एक बच्चे का क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट फंक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर लेक्चर दिया था, उसमें मैंने कहा था कि मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए कि यूटिलिटी रिमेन फिक्स क्यों होती है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी कहा है। तो ये एक बात तो ये है कि क्योंकि बच्चे इस तरह क्वेश्चन कर सकते थे, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन किया। एक तो बात ये है कि ये चीज़ जो है ये उस फिनोमेने को बयान किया गया है कि यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट किस लिए होती है, राइट। तो जब हम कहते हैं कि यूटिलिटी कांस्टेंट है, तो जब एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो जब एक कांस्टेंट चीज़ होती है, तो दो वेरिएबल के दरमियान वो एक इम्प्लिसिट रिलेशन क्रिएट कर देती है। वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, मेरी यूटिलिटी एक्स और वाई पे डिपेंड करती है, राइट। मेरी यूटिलिटी एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करती है, मेरी यूटिलिटी पिज़्ज़ा और बर्गर के ऊपर डिपेंड करती है, दो प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो ज़ीरो होता है, तो क्या मेरी यूटिलिटी ज़ीरो होगी? नहीं। जब इस तरह एक बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, तो ये चीज़ है कि जब यूटिलिटी, जब एक फिक्स नंबर आ जाता है, एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो जो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके दरमियान एक इम्प्लिसिट, एक इंटरनल रिलेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो इसको जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और ये मतलब आपके इन दैट सेंस के यूटिलिटी का वो फिनोमेना है बिहाइंड। तो ये सिर्फ वो के को कुछ बच्चे होते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, उनको ये खास तौर पे स्लाइड्स उनके लिए थी, ऑल्दो के मतलब हम प्योर मैथ की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बताया जाए कि क्यों यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट है जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ताकि जो बच्चे खास तौर पे जो ब्रिलियंट है, जो इस तरह के हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए ये कुछ एक दो स्लाइड्स थी, और ये कहा गया था कि दीज आर एक्स्ट्रा स्लाइड्स टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना बिहाइंड दैट, कि हमने यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट का फिनोमेना बयान करना था। तो ये वो चीज़ है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है।
कि किस तरह दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट हो जाता है, राइट। अच्छा, एक महनूर फुरकान है बच्ची, ये मैंने उसका नाम मेंशन इसलिए किया कि मैंने उससे परमिशन ली थी कि मैं आपका नाम जो है वो स्लाइड में मेंशन कर सकता हूँ, तो उसने मुझे परमिशन दी, इसलिए मैंने उसका जो है ये क्वेश्चन को किया है। और ये बच्ची है जिसने सिर्फ ताकि ये मेंशन करने का मकसद ये है कि जो पहली असाइनमेंट्स दी थी सबसे पहले इसने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको सबमिट करवाया। तो सर, आई ऑलरेडी आस्क प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर 1 and 2 एंड आल्सो हैव सम इश्यूज रिगार्डिंग लेक्चर 5, व्हाट इज हार्ड कोर साइंस। तो जो क्वेश्चन इसके दूसरे हैं वो भी अगले लेक्चर्स में एड्रेस कर दिए गए हैं। इसमें देखा जाए ना हार्ड कोर साइंस क्या है, तो जो इकोनॉमिक्स को मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये आर्ट्स नहीं है, साइंस है। कुछ जो ऑथर्स हैं इस वक्त जो है लेटेस्ट, वो ये भी कह रहे हैं कि इट इज़ अ सोशल साइंस दैट इम्प्लाइज द साइंटिफिक रूल्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक, कि जो साइंटिफिक रूल्स होते हैं, जो प्योर साइंस, हार्ड कोर साइंस का मतलब होता है जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे इस तरह की जो दूसरी साइंस होती है। तो हार्ड कोर साइंस जो है वो ये होती है कि इकोनॉमिक्स वो हार्ड कोर साइंसेज नहीं है कि जो जो हार्ड कोर साइंसेज होती हैं जिसको हम लेबॉरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, राइट। हम ये लेबॉरेटरी में बहुत ज़्यादा जो हार्ड कोर साइंस है लेबॉरेटरी में स्टडी की जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स सम हाउ ये नहीं होता कि मतलब आप लेबॉरेटरी में इसको स्टडी करें। और चूंकि हमने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, या इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट इम्प्लाइज द साइंटिफिक रूल्स, तो इसको देख, इसको मैंने मेंशन किया था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। लेकिन लेटेस्ट जब देखा जाए ना, लेटेस्ट जो टेक्निक्स आ रही हैं इकोनॉमिक्स की, वो भी आजकल लेबॉरेटरी में स्टडी की जा रही हैं। उसकी एग्जांपल है जयपाल, उसका जयपाल मेरे ख्याल लतीफ इस तरह का नाम है, पॉवर्टी एक्शन लैब, पॉवर्टी जे अब्दुल लतीफ जमाल, अब्दुल लतीफ जमाल पॉवर्टी लैब, तो उसको जे पाल कहते हैं। और वो जे पाल की लेबॉरेटरी ने 2019 में नोबेल प्राइज भी विन किया है। तो उन्होंने अब्दुल लतीफ जमाल पॉवर्टी लैब बनाई थी जिसमें वो पॉवर्टी को स्टडीज करते थे, पूरी दुनिया के वो ऑथर और इस तरह के रिसर्चर्स उन्होंने किए हुए थे। तो मतलब ये है कि हार्ड कोर साइंसेज के भी जो रूल्स हैं वो लेबॉरेटरी के अंदर इकोनॉमिक्स में भी स्टडीज किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये जब कहा था कि इकोनॉमिक्स हार्ड कोर साइंस नहीं है, तो इसका मतलब ये था कि हार्ड कोर साइंसेज वो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, लेकिन उनके वही रूल्स, जैसे वो एक चीज़ को स्टडी करते हुए दूसरी चीज़ों को फिक्स रखते हैं, जो पिछले बच्चों ने भी क्वेश्चन किया हुआ था कैटरस पेरिबस, वो जब एक खास चीज़ को स्टडी करते हैं दूसरी चीज़ों को फिक्स रख देते हैं, तो वो जो है उसे भी हम कहते हैं कि ये जो है हार्ड कोर साइंस है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो भी साइंस है, क्योंकि जिस तरह साइंस में चीज़ों को अज्यूम करके फिक्स करके कुछ मॉडल स्टडी किए जाते हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी बहुत सी चीज़ों को अज्यूम करके फिक्स करके अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट करके खास मॉडल को स्टडी किया जाता है। तो वो होती है हार्ड कोर साइंस, ये होती है इकोनॉमिक्स, होती है सोशल साइंस। लेकिन सोशल साइंस दैट इम्प्लाइड द हार्ड कोर साइंस रूल, तो ये है। और दूसरा है रूल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, इसके ऊपर हमने मैथमेटिकली भी बात की है, ग्राफिकली भी बात की है, थ्रेटिकली भी बात की है कि रूल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या है। उसका अगर सिंपल, अगेन मैं कहूँगा कि वो लेक्चर सुने आप, लेकिन अगेन मतलब अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि किस तरह यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है कि हम लग्रेंजियन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और एक्स और वाई की वो स्पेसिफिक क्वांटिटी निकालते हैं जो हम कहते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव थ्रू लग्रेंजियन, उसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स मैंने दिए हैं और इसके बाद भी लेक्चर एक आधा आएगा। तो वो रूल्स ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो कोर है आपकी इकोनॉमिक्स की, तो उसको मेंशन किया गया। सिंपल मीनिंग में अगर बोला जाए कि वो कौन से रूल्स हैं जिससे यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, वो है MRS है, वो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। वो जब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स
इज इक्वल टू द प्राइजेस ऑफ दैट टू गुड्स। तो ये एक सिंपल रूल है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का कि व्हेन एमआरएस रेट ऑफ टेक्निकल या रेट ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइजेस। तो ये रूल होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का। इसको थ्रेटिकली ग्राफिकली और मैथमेटिकली पढ़ा है। मैथमेटिकली हमने दो तीन एग्जांपल्स दी हैं और आगे भी हम एक दो एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और रूल्स ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में वी विल बी अ प्रोफिशिएंट, राइट। तो ये होता है रूल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड वन और टू लेक्चर विल बी देयर मोर वन और टू लेक्चर विल बी देयर ऑन दिस रूल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। थैंक यू महनूर फुरकान फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। ये हमने कुछ क्वेश्चन को एड्रेस किया है, ऑल दो के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। हम और भी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। हम कुछ और बच्चों के क्वेश्चन हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग, हम उनको एड्रेस करेंगे। दिस इज कुछ क्वेश्चन हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये दो तरह से कि हमने फिर अगेन एक दफ़ा कोर्सेज की रिविजन भी कर ली, कुछ और भी बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी एड्रेस कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।